आज उस राक्षस भंवर सिंह के जुल्म से कब छुटकारा होगा? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। जब जब इस धरती पर कोई राक्षस पैदा होता है, तब तब उसका नाश करने के लिए कोई ना कोई देवता जन्म लेता है। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक नीच लड़की की खातिर आज तुम हमारी हवेली की सीढ़ियां तक चढ़कर आ गए, ले जाओ उसे, वरना ये कि जान ले लूंगा। अन्नदाता, हम तो दास है तुम्हारे, बस इतनी विनती स्वीकार कर लो। हमारी बेटी की इज्जत लेकर उसे घर छाया नहीं दे सकते, तो मौत तो दे सकते हो मालिक। हम इस जिंदा लाश को अंगार में फूंक भी तो नहीं सकते। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। बापू की ये हालत मुझसे देख के नहीं जाते। इन धनवानों की दुनिया में हम गरीबों की इज्जत करने वाला कोई नहीं माँ, हमारा न्याय करने वाला कोई नहीं माँ, कोई नहीं। हाय बेटी, हाय, हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय करेगा हमारा राजा ठाकुर। Thank you.
सियाराम। पाप के भंडार का पापी भंवर सिंह कौन है? घर लूटने आए हो लूट लो, किसी घर वाले को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, आज हम आपका घर लूटने नहीं, घर बसाने आए हैं। उठिए, अपनी दुल्हन का स्वागत कीजिए। राजा ठाकुर, हम सूर्यवंशी। जय जय सर। अन्नदाता, हमारे लिए क्या हुक्म है? आप हमारे साथ जश्न मनाएंगे। राजे, मेरे घर सरकार आए, कहिए ये क्या खातिर करूं? मैं बड़ी उलझन में हूं कि बात क्या आखिर करूं। आप ही से पूछती हूं, आप ही फरमाइए। दिल करूं मैं पेश खिदमत, या के जा हाजिर करूं। ओहो हो, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। आँख मिला के